देश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बड़े ऐलान को लेकर बात करेंगे। वेतन डबल होगी, लेकिन किसकी होगी इस पर बिल्कुल बारीकी से हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज संकेत दिए हैं कि अब बजट में भी इसके लिए कुछ व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा। हर बार बजट सेशन होता है जिसमें कि बजट पेश किया जाता है सरकार की ओर से, इसी बजट की आज मुख्यमंत्री ने बात की है। किन वर्गों की सैलरी डबल होने वाली है, ये जानकारी आज बिल्कुल बारीकी से हम आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी बड़ी बात पेंशनर्स पर करेंगे, क्योंकि आज 9 तारीख यहां पर निर्धारित की गई थी सरकार की ओर से पेंशन देने के लिए, लेकिन कुछ पेंशनर्स नाराज हैं, इनकी पेंशन नहीं मिल पाई है। कौन से पेंशनर्स हैं जिनकी जेब खाली रह गई है, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर बड़ा तंज और साथ ही साथ बड़ा आरोप आज इन्होंने लगाया है, ये कहकर कि सबसे ज्यादा झूठ नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, इन्होंने झूठ में पीएचडी की हुई है। ये तक मुख्यमंत्री ने कह डाला कि बीजेपी का नाम यहां बड़ी झूठी पार्टी होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ भाजपा के नेता ही कह रहे हैं। जब भी देखो तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर बात करने लगते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तो कैसे इतनी सुविधाएं यहां के लोगों को दी जाती। अब तो अस्पतालों में भी बड़ी सुविधाएं, एम्स के बराबर सुविधाएं देने की बात सरकार कर रही है, ये मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज कहा। क्योंकि आईजीएमसी गए थे ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने के लिए, शुभारंभ इन्होंने किया है और इसी बीच इनकी ओर से ये बड़ी बात कही गई, इसी वजह से इन्होंने अस्पताल का वहां पर उदाहरण दिया है। और साथ ही साथ नसीहत ये दी है मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री को भी कि उन्हें जयराम ठाकुर को समझाना चाहिए, इतना ज़्यादा झूठ ना कहे। अब टॉयलेट टैक्स की ये बात कर रहे हैं, आज तक किससे यहाँ पर टॉयलेट टैक्स लिया गया है, हिमाचल की जनता से कितना ही टैक्स कितनी ही चीज़ों पर लिया गया है, इस सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए। वो केवल लोगों में भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। हरियाणा में भी बार बार हिमाचल प्रदेश का ही जिक्र किया गया पीएम की ओर से भी और यहाँ के शीर्ष भाजपा नेतृत्व की ओर से भी, और अब दुहाई ये इस बात को लेकर दे रहे हैं कि यहाँ गारंटी पूरी नहीं हुई, इसका इम्पैक्ट हरियाणा में हुआ है, जो कि गलत है। 5 गारंटियां यहां पर कांग्रेस सरकार अपनी पूरी कर चुकी है, जिसमें मुख्य गारंटी ओपीएस बहाल करने की थी, बाकी राज्यों में नहीं हो पाया है, लेकिन हिमाचल सरकार ने यह बिल्कुल कर दिखाया है। यह भी आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से कुछ एक शब्द कहे गए हैं। देखिए, सांसद कंगना रनौत के बाद अब मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी मंडी में अपना कार्यालय खोल लिया है। आज ही ये कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। राजमहल कॉम्प्लेक्स में इन्होंने अपना ऑफिस खोला है और पूजा पाठ करके इन्होंने शुभारंभ किया। इस बीच इनका ये कहना था कि मंडी के जो भी लोग हैं वहां पहुंच सकते हैं अपनी समस्याएं लेकर, इनकी समस्याओं का निपटारा मंत्री करेंगे। अगर इनके महकमे से संबंधित समस्याएं होंगी तो उसी वक्त निपटारा होगा, और मान लीजिए दूसरे विभागों से जुड़ी समस्याएं लेकर लोग इनके पास आते हैं तो सरकार के समक्ष उन मुद्दों को उठाने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कंगना रनौत के बाद वहां मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी अपना कार्यालय खोल लिया है, तो क्या कोई मुकाबला चल रहा है? यह सवाल जब मंत्री से किया गया तो साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि ऐसा कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने वादा किया था लोकसभा चुनाव के वक्त कि अपना कार्यालय खोलेंगे, यह कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना वादा वहां पूरा कर रहे हैं, और उम्मीद जताते हैं कि लोगों की जो भी समस्याएं होंगी तुरंत से तुरंत उन्हें निपटा सकेंगे। हालांकि एक नसीहत इन्होंने कंगना रनौत को भी दी है, जिसमें इनका ये मानना है कि केंद्र से मदद लानी चाहिए कंगना रनौत को, ताकि विकासात्मक कार्य मंडी संसदीय सीट पर हो सके, बजाय इसके कि वो दलगत राजनीति करती हैं। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें कार्य करना होगा। आज पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह भी उनके साथ मौजूद थी जब ये मंडी में अपने कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे। तो इस बीच काफ़ी भीड़ भी वहां पर कार्यकर्ताओं की और इनके समर्थकों की नजर आई है। और एक और बात आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कही है, इन्होंने अपने स्वर्गीय पिता वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि सिर्फ एक दायरा नहीं है इनका, बल्कि ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं। अगर मंडी संसदीय सीट पर बतौर सांसद ये जीत हासिल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो वादा इन्होंने किया था उसे पूरा करके रहेंगे, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के मंत्री भी हैं, मंत्री की कमान भी इनके पास है। HRTC में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए, HRTC कर्मचारियों के समर्थन में पेंशनर्स भी आ गए हैं। ये पहले ही HRTC कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दे दिया था कि 14 अक्टूबर को इनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, ये गेट मीटिंग करेंगे। सरकार फिर भी नहीं मानती है तो 16 अक्टूबर को इनकी ओर से और बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विभिन्न मांगे इनकी अभी तक पेंडिंग है। अभी तक नाइट ओवरटाइम की अदायगी इन्हें नहीं हो पाई है, मेडिकल रिमबर्समेंट के बिल्स इनके फंसे हुए हैं, DA एरियर का भुगतान इन्हें नहीं हो पाया है, सैलरी समय से नहीं मिल पा रही है, और न जाने कितने ही भत्ते हैं जिनका इंतजार बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। लेकिन इनका समर्थन करने के लिए पेंशनर कल्याण संगठन भी आ गया है, और यहां पेंशनर्स का कहना है कि फैसला कब का आ चुका है, 65, 70 और 75 वर्ष के पेंशनर्स की आय में वृद्धि होगी, लेकिन वो भी सरकार ने अभी तक नहीं किया। मेडिकल बिलों का भुगतान तक पेंशनर्स का नहीं किया जा रहा है, अपनी पेंशन के लिए इन्हें बेहद इंतजार करना पड़ रहा है, जो इनके हक है उनसे इन्हें वंचित रखा जा रहा है। इसलिए ये भी जो
गेट मीटिंग होगी या प्रदर्शन किया जाएगा एचआरटीसी कर्मचारियों की ओर से, उसमें इनका समर्थन करते हैं। उमर के इस पड़ाव में है कि इन्हें घर पर रहना चाहिए, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है इन्हें सड़कों पर उतरने के लिए, ये एचआरटीसी पेंशनर्स की ओर से कहा गया है। सेवानिवृत्ति के सभी लाभ अटके हुए हैं, ये दावा बार बार पेंशनर्स की ओर से किया जाता है। लेकिन एचआरटीसी प्रबंधन से जब हम बात करते हैं तो उनका कहना रहता है कि एचआरटीसी प्रबंधन कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन जितने घाटे में अभी एचआरटीसी है उससे उभरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और इस बात का सबूत देखिए यहाँ से मिलता है कि हर विभाग के पेंशनर्स को पेंशन मिल गई है, लेकिन एचआरटीसी में कार्यरत जो पेंशनर्स थे या जो अपना अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिन्होंने आधी ज़िंदगी अपनी एचआरटीसी के लिए दे दी और अब पेंशनर के तौर पर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, उन्हें आज भी पेंशन नहीं मिल पाई है। ये सरकार की ओर से समय निर्धारित किया गया था कि 9 अक्टूबर को पेंशन दे दी जाएगी, लेकिन एचआरटीसी पेंशनर्स की जेबें खाली रह गई हैं, जिस वजह से पेंशनर्स में भारी रोष है। ये भी एक बड़ी वजह रही है जो इन्होंने एचआरटीसी कर्मचारियों का समर्थन किया है प्रदर्शन करने के लिए। हर बार इन्हें अपनी पेंशन का इंतजार करना पड़ता है। अब देखिए ये पूरे आंकड़े हम आपके लिए लेकर आए हैं कि हुआ क्या। हालांकि ऐसा नहीं है सरकार की ओर से राशि एचआरटीसी को नहीं दी गई थी, एचआरटीसी प्रबंधन को 55 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन इसमें 45 करोड़ रुपए वेतन देने के लिए ही लग गए, बाकी के 10 करोड़ बचे जिसमें कि कुछ काम एचआरटीसी की ओर से करवा दिए गए, टायर का खर्चा, तेल का खर्चा और स्पेयर पार्ट की रिपेयर, ये सारी चीजें एचआरटीसी प्रबंधन ने करवा ली, जिस वजह से पेंशन देने के लिए राशि नहीं बची है। और पेंशन देने के लिए 20 करोड़ तक का खर्च यहां पर एचआरटीसी को देना होता है, यानी कि इतना खर्चा यहां पर तकरीबन 7,000 पेंशनर्स के लिए आ जाता है। 20 करोड़ रुपए इसके लिए मासिक चाहिए, और अभी ये राशि मांगी गई है अब सरकार से। एचआरटीसी प्रबंधन ने चिट्ठी लिख दी है सरकार को कि इतनी राशि दी जाए ताकि पेंशन का भुगतान भी हो सके, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि बाकी जगहों पर यानी कि बाकी विभागों में पेंशनर्स को पेंशन मिल गई है, एचआरटीसी पेंशनर्स को यहाँ फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 20 करोड़ रुपए की कमी एक तरह से हो गई थी एचआरटीसी प्रबंधन के पास। तो तकरीबन ये 65 से 70 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से कि ये 70 करोड़ रुपए इन्हें मुहैया करवाया जाए, लेकिन 55 करोड़ रुपए ही दिया गया, जिसमें 45 करोड़ वेतन के लिए खर्च हो गया। अब उसके बाद बचते हैं 10 करोड़ और, तो जैसा कि टायर का खर्चा हुआ, कुछ स्पेयर पार्ट्स रिपेयर करवाए गए और भी कई चीज़ें यहाँ पर रिपेयर के लिए दी गई थी, जिस वजह से ये 10 करोड़ भी खर्च हो चुका है। तो अब 20 करोड़ और मांगा गया है सरकार से, लेकिन कब तक मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ दिनों का इंतजार यहां अभी एचआरटीसी पेंशनर्स को और ज्यादा करना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आज खुद स्कूल पहुंच गए थे, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, और वहीं आज ये परख सर्वे 24 के लिए एक स्कूल में जा पहुंचे और यहां इन्होंने बच्चों से भी संवाद किया कि आखिरकार कैसी शिक्षा उन्हें प्रदान की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एक तरह से फीडबैक इन्होंने ली है। तो शिक्षा स्तर सुधारने के लिए खुद इन्होंने इस सर्वे 24 की कमान संभाल ली है, ये हम कह सकते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र के खलग स्कूल में रोहित ठाकुर जा पहुँचे थे, जहाँ शिक्षकों से भी इन्होंने बात की है और छात्रों से भी बात की है, पूरी फीडबैक ली गई है। हालाँकि नए कदम ज़रूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन लाजमी सी बात है कि जब तक छात्र अपनी सही से फीडबैक नहीं देंगे, सुधार उस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। और यही एक बड़ी वजह रही कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आज खुद सरकारी स्कूल में पहुंचे, जहां एक एक छात्र से इन्होंने बात की और ये भी पूछा कि क्या कमियां वो अपने स्कूल में देखते हैं। अभी देखिए 3 अवकाश आ रहे हैं, 11 अक्टूबर को वैसे ही लोकल अवकाश घोषित कर दिया गया है, और इस बात से मरीज काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं अस्पताल की सेवाओं पर इसका कोई असर तो नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में आईजीएमसी सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे ज़्यादा मरीज़ यहीं रहते हैं, तो यहाँ इस बार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आईजीएमसी के हर विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं आईजीएमसी प्रशासन की ओर से कि सभी डॉक्टर्स को तैनात किया जाए, यानी कि पूरी संख्या में हर वार्ड में डॉक्टर्स की तैनाती ज़रूरी है। चिकित्सा अधीक्षक, नर्सिंग स्टाफ और क्लिनिकल विभाग ड्यूटी पर ही रहेगा, सिर्फ 11 अक्टूबर को नहीं बल्कि 11 से 13 अक्टूबर तक, क्योंकि 11 अक्टूबर को दशहरा है, 12 अक्टूबर को सामान्य अवकाश है, 13 अक्टूबर को रविवार है, तो 3 दिन की छुट्टी होगी। इसका कोई भी असर हमें ओपीडी की सेवाओं पर और अन्य सेवाओं पर अस्पतालों में देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, ये अच्छी बात है। इसके लिए पहले ही तैयारियां कर ली गई हैं और नियमित रूप से कामकाज जारी रहेगा, ओपीडी सुविधा भी पूरी तरह से जारी रहने वाली है, आवश्यक व्यवस्था कर दी जाए ये विभागों को पहले ही कहा गया है, और ये लिस्ट भी मंगवाई गई है कि
उस दिन कितने डॉक्टर्स की ड्यूटी रहेगी, यानी कि कितना स्टाफ तैनात रहने वाला है। तो मरीजों को कोई परेशानी नहीं आएगी, ये राहत भरी खबर हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है दो लोकल अवकाशों को लेकर। एक तो देखिए इसमें 11 अक्टूबर का ही है और दूसरा 2 नवंबर का बताया जा रहा है। तो ये दो लोकल अवकाश रहेंगे सभी सरकारी विभागों में और शिक्षण संस्थानों में। इसके अलावा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, सिर्फ ये सरकारी विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और इसके अलावा शिक्षण संस्थानों के लिए ही अधिसूचना जारी हुई है। देखिए IGMC में ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू आज पहुंचे थे और कुछ बड़ी बातें भी इनकी ओर से कही गई है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले तो भाजपा पर तंज कसते हुए ये कहा कि जो पूर्व की जयराम सरकार थी, इन्होंने आधे अधूरे भवनों का उद्घाटन कर दिया अपनी नेम प्लेट लगाने के लिए, जबकि सुविधाएं वहां ना के बराबर थी। जब इन्होंने पहले कैजुअल्टी वार्ड का निरीक्षण किया तो ये पाया कि एक ही बेड पर 2 या 3 मरीजों को भी अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। ऐसी दुविधा देखकर इन्होंने फैसला लिया कि कैजुअल्टी वार्ड में व्यवस्था परिवर्तन करना है और इसे बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन बनाना है। इसके लिए सबसे बेस्ट सुविधाएं देने पर विचार किया गया और अब एक बेड पर एक ही मरीज होगा। डॉक्टर की सेवाएं वहां पर 8 घंटे के लिए सुनिश्चित कर दी गई हैं, यानी कि एक डॉक्टर 8 घंटे अपनी सेवा देगा। ये समय इसलिए निर्धारित किया गया है, पहले डॉक्टर्स की शिकायत थी कि 32-32 घंटे तक भी ये कंटिन्यूसली अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब यहां स्टाफ बढ़ा दिया गया है जिस वजह से एक डॉक्टर को 8 घंटे तक ही सेवा देनी होगी ताकि बेहतर तरीके से और पूरी क्वालिटी के साथ वो अपना काम कर सके। तीसरी बात ये कि पहले वहां एक स्टाफ नर्स 12 मरीजों को देखती थी, लेकिन अब एक स्टाफ नर्स 6 मरीजों को देखेगी, जिस वजह से उसका काम कम होगा और उसके काम में भी गुणवत्ता आ पाएगी और मरीजों को भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो ये कुछ व्यवस्था परिवर्तन किया गया है और जैसा कि हमने कहा, डिपार्टमेंट ऑफ एमरजेंसी मेडिसिन अब कैजुअल्टी वार्ड को बना दिया गया है। आज उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू वहां पर पहुंचे थे, कुछ नई मशीनरीज भी आ गई हैं। कैसे इन सुविधाओं को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इस पर सोच विचार सरकार कर रही है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और टांडा मेडिकल कॉलेज और IGMC मेडिकल कॉलेज में एम्स जैसी सुविधाएं अब दी जाएंगी, चाहे उसके लिए जितना भी खर्चा सरकार को करना पड़े, ये दावा भी आज मुख्यमंत्री ने किया है। लेकिन कमाल तब हो गया जब यहां सैलरी डबल करने पर बात कही मुख्यमंत्री सुक्खू ने। इनका ये कहना था कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनकी वेतन बहुत ज्यादा कम है, इसमें जिक्र इन्होंने अस्पताल में तैनात रेडियोग्राफर का किया कि 10,000 ही महज ये वेतन ले रहे हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन और OTA को भी 10,000 ही दिए जाते हैं। इसलिए इन्होंने फैसला लिया है कि रेडियोग्राफर, OTA और जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं इनकी वेतन डबल कर दी जाएगी, 10,000 से 20,000 की जाएगी। और ये अनाउंसमेंट बजट सत्र के दौरान करेंगे, जो अगला बजट सेशन आने वाला है। कुछ एक व्यवस्था परिवर्तन अब किए जा रहे हैं और व्यवस्था बदली जाएगी बजट में भी, अधिकारियों के साथ इन दिनों इसी पर ये चर्चा कर रहे हैं, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से दावा किया गया है। टांडा और IGMC में एम्स जैसी सुविधाएं लाने के लिए भी बजट में कुछ एक अनाउंसमेंट्स होने वाली है, संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं। लेकिन इन 3 वर्गों की सैलरी डबल होगी, बजट में कुछ व्यवस्था परिवर्तन किए जाएंगे। और ये भी एक तीसरी बात इनकी ओर से कही गई है, सिर्फ ये वर्ग नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ग जो कि अपनी जान पे खेलकर सेवाएं दे रहे हैं या बहुत ही गंभीर कार्य कर रहे हैं, उनकी सैलरी डबल की जा सके इसके लिए क्या प्रावधान किए जाएं, ये भी इनकी ओर से आज दावा किया गया है। तो बड़ी बात कहना चाहेंगे जिस तरह का जिक्र इन्होंने किया है। देखिए संजौली मस्जिद मामले पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। 5 अक्टूबर को नगर निगम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि अवैध निर्माण को हटाया जाएगा और फिलहाल यहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इस पर हामी भी भर रहे थे, लेकिन बीच में ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आ गई है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने आज बैठक की है और समीक्षा की उस फैसले की जो कि नगर निगम कोर्ट ने सुनाया है, और इसके विरोध में ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई है। इनका कहना है कि जो फैसला नगर निगम कोर्ट ने सुनाया है ये उससे सहमत नहीं है, क्योंकि मालिकाना हक पर वक्फ बोर्ड का ही है, यानी कि संजौली मस्जिद निर्माण जहां पर हुआ है, संजौली में जो मस्जिद बना है, जिस भूमि पर बना है, वक्फ बोर्ड का ही उस पर मालिकाना हक है, ये बात इनकी ओर से कही गई है। दूसरी जानकारी इन्होंने ये दी कि राजस्व रिकॉर्ड में लगभग 125 सालों से मस्जिद ही दर्ज है। कमिश्नर ने नक्शा पास करवाने के आवेदन को नज़रअंदाज किया है और कुछ ऐसे लोगों की बात सुन ली, कुछ ऐसे लोगों की निजी राय सुन ली जो कि उसके लिए अधिकृत भी नहीं थे, ये अपने ही समुदाय के लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वो अधिकृत नहीं थे, कि वो
ऐसी कोई राय दे कि वो अवैध निर्माण हटाने के लिए तैयार है, और यहां नगर निगम कोर्ट ने भी वैसा ही फैसला सुना दिया। तो अब इसके खिलाफ ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं, ये हाई कोर्ट जाएंगे। ये चेतावनी यहां पर दी गई है ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। वो पीएम मोदी को दे रहे हैं वह गलत है, किसी पर भी टॉयलेट टैक्स प्रदेश में नहीं लगाया गया है। वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा के परिणामों पर हिमाचल की गारंटियों, टॉयलेट टैक्स, मस्जिद विवाद के असर को नकारते हुए कहा कि इसका हरियाणा पर कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा ने झूठ परोसने का वहां पर काम किया है। और जो टैक्स की बात वो कह रहे हैं, टॉयलेट टैक्स की, ऐसा कोई टैक्स प्रदेश में नहीं लगाया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा प्रदेश की दूसरी खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष से अधिक आयु के करीब 28,000 पेंशनरों को 8 सितंबर की पेंशन के साथ पिछला एरियर भी मिल गया है। इसके अलावा प्रदेश के करीब 1.5 लाख से अधिक जो पेंशनर हैं उनके खाते में पेंशन भी आ गई है। सीएम सुक्खू ने देहरा में स्वतंत्रता दिवस समारोह में 15 अगस्त को घोषणा की थी कि जितने भी 75 साल से अधिक उम्र के पेंशनर हैं उनका जो एरियर बचता है वो हम एक साथ देंगे। तो आपको बता दें वित्त विभाग ने इसको लेकर के जो है वो जो आदेश निकाले थे, वो आदेश निकाले थे 28 अगस्त को, लेकिन पेंशन से संबंधित जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा नहीं करने से जो है वो इसमें इसको जो है एक महीना आगे टाला गया। जो औपचारिकता है वो एक महीना जो है पूरा समय लग गया उसमें। तो ये जो है वो आज आएगी। अभी भी हमारी कुछ देर पहले बातचीत हुई कुछ पेंशनरों से कि सर हमें आई नहीं है, अभी जो है वो एरियर आया नहीं है। आपको बता दें सरकार की तरफ से जो है वो भेज दिया गया है, जो बैंक्स हैं थोड़ा सा उसमें डिले हो रहा है, ये आपके खाते में आ जाएगा जी। तो एरियर जो है जो उनका बचता है, आपको बता दें 55% जो एरियर है 75 से ऊपर वालों को वो पहले ही दे दिया गया है, और जो 45% एरियर है इसका 22.5% यानी 50% एरियर जो है वो आज खाते में आ जाएगा। ये डाल दिया गया है, इन प्रोसेस है, बहुत जल्दी खाते में आएगा। जो पेंशनर्स थोड़ी देर पहले तक, आधे घंटे पहले तक जो है कुछ पेंशनरों को खाते में पेंशन नहीं आई थी, तो उनको ये पेंशन अब जो है वो आ गई है कुछ देर पहले ही। तो पेंशन भी आ गई है, जो पेंशनर है 1.5 लाख से अधिक पेंशनर है प्रदेश में, और जो एरियर है 22.5% ये भी खाते में आ गया है।